नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए कोई एजुकेशनल टॉपिक नहीं लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो देखिए, एक क्वेश्चन था, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि हम बार बार एग्ज़ाम में बैठते हैं, मतलब वन टाइम टू टाइम हम बैठ चुके, लेकिन हमारा जो परसेंटेज आता है वो 42 से 47 या 46 तक ही पहुंच पाता है। तो हमने प्रिपरेशन भी अच्छे से किया और हम एग्ज़ाम के जो कट ऑफ बने उसमें हम नहीं आ पाए। तो हमें समझ नहीं आता कि इतना कोशिश करने के बाद हमारा परसेंटेज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ के मित्र हैं जो लोग तैयारी नहीं किए, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किए, फिर भी उनका 40 से 42% आ जाता है बिना किसी प्रिपरेशन के। तो देखिए, 40 से 42% की बात अगर कहें तो देखिए, कोई भी अगर नेट के एग्ज़ाम बैठता है तो पीजी ऑलरेडी वो होता है। ओके, तो ये 40 या 42% लाना, अगर आप लोग कभी भी चेक करेंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाए और अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ट्रिक लगाते चले जाएं, तो अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान भी ना दें या हल्का ही ध्यान दें तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि आप अगर जिस ऑप्शन को क्लिक करते हैं वो गलत ही हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं पता होता है, फिर भी वो करेक्ट हो जाते हैं। तो आपके मित्र का यही रिजल्ट बनाता है। और आपकी अगर बात करें तो देखिए, आपकी जो समस्या है उसका समाधान स्वयं आप करेंगे, सेल्फ ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या आपकी है। हम गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए, काउंसलिंग तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के लिए जब तक आपका पूरा का पूरा समस्या हम नहीं सुनते हैं, डायरेक्टली तौर पे अगर नहीं मिलते हैं, तो फिर हम आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। और काउंसलिंग देखिए बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेहतर डायरेक्शन से आप चलें तो आप 100% श्योर एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब पेपर पे बात करते हैं। देखिए, आपके दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। अब आपको दोनों को एक साथ बैलेंस से लेके चलना पड़ेगा। ओके, यानी दोनों पेपर में बिल्कुल बेहतर बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि फर्स्ट पेपर को अगर ज़्यादा टाइम देते हैं तो सेकेंड को नहीं, या सेकेंड को ज़्यादा टाइम देते हैं फर्स्ट को नहीं। आपका जैसा पेपर है वैसा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर में आप ज़्यादा मार्क्स ला के आप JRF के लिए क्रैक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स हों तो JRF के लिए आप बहुत ही इजीली तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है। ओके, तो उसके अगर यूनिट की बात करें तो उसके अगर 3 यूनिट को ले लें तो आपका पेपर फर्स्ट का समझ लीजिए 10 यूनिट समाहित हो जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। और अगर सेकेंड पेपर का आप 7 यूनिट बेहतर तरीके से स्टडी में ला लें, स्टडी कर डालें, तो आपका रिजल्ट बेहतर जाएगा। और पेपर फर्स्ट का तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। डेली अगर आप चाहें तो 1-2 DI अगर कर लें, तो हम कहते हैं कि 5 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस 99% है कि आप कर लेंगे एग्ज़ाम में। और DI के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉफिट लॉस चाहे एज का ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, वो भी आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और मैथमेटिक्स अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर नंबर सीरीज भी आपका बहुत तेज़ी से होता है। और इसके साथ ही साथ जो अरेंजमेंट का आता है वो सब चीज़ें भी आप बहुत तेज़ी से करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है कि जो आपके दिमाग को फास्ट करता है, तेज़ करता है, शार्प करता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी समस्या को पहचानना होगा, डायग्नोस करना होगा। ओके, फिर उस समस्या को रिमूव करना होगा, यानी कि हटाना होगा, यानी कि प्रॉब्लम को समाप्त करना होगा।
और फिर आपको समाधान के लिए आगे बढ़ जाना होगा। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बताते हैं कि पेपर वन के लिए आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति अपने में एक विशेष होता है, ओके। किसी का आप कॉपी करके आप आगे नहीं निकल सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको आगे बढ़ना है तो सेल्फ ही ऐसा स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करना होगा जिससे आप आगे बढ़ जाएं। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को अपने अंदर कैसे समाहित करते हैं वो आपका काम है, ओके। तो देखिए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें पेपर वन में, तो आपको बेस जानना होगा, उसके हर चीज़ों पे जाना होगा, उसके नेचर के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको जानना होगा, ओके। टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टीचिंग का एलिमेंट्स क्या है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। फिर अगर आगे आप जाते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की चीज़ें आ जाती हैं। तो रिसर्च के एप्टीट्यूड की अगर चीज़ें देखें तो पेपर वन में बेसिक ही चीज़ें रहती हैं, ओके। आपका अगर किसी के पेपर सेकेंड के रिसर्च मेथोडोलॉजी के पे बात करें तो वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन आपका बहुत बेहतर सिलेबस होता है। अगर आप उसको ध्यान दें तो आपका बहुत इजीली तरीके से 1 वीक में वो कवर हो जाएगा पूरा, ओके। फिर आपके जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, ओके। कम्युनिकेशन बहुत बेटर पार्ट है आपके सिलेबस का, और फिर आपका ICT है, फिर इन्वायरमेंटल है, फिर आपका हायर एजुकेशन के पार्ट जो डाले गए हैं, ओके। और फिर न्यू टॉपिक्स भी आए हैं आपके लिए। तो ये सब चीज़ें अगर बेसिकली तरीके से आप तैयार करेंगे, फंडामेंटल उसका तैयार करेंगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और MCQ फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ MCQs पे डिपेंड हो जाते हैं। तो देखिए, MCQ जो है आपके लिए बिल्कुल बहुत बेहतर है, लेकिन आप पहले उस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद MCQ पे जाइए। MCQ पे जाके सिर्फ एक ऑप्शन को रट्टा मार के आप एग्ज़ाम में नहीं अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा उस थ्योरी के बारे में जानना होगा, या उस टॉपिक के जो पूरे कंटेंट्स आते हैं उसको आपको जानना होगा, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ओके। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। पेपर वन सिर्फ प्रैक्टिस पे है। और देखिए, पेपर सेकेंड पे अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर सेकेंड, क्योंकि पेपर सेकेंड बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है। तो देखिए, पेपर सेकेंड की अगर बात करें तो इसमें नंबर वही बार बार रिपीट होता है। अगर बैक टू बैक कुछ स्टूडेंट बैठते हैं तो उनको फील हुआ होगा कि इसमें नंबर उनका भी नहीं बढ़ता है। तो देखिए, जिसका नहीं बढ़ता है उनके लिए हम बताएं कि जब आप सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करते हैं या सेकेंड टाइम आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप गलती सबसे बड़ी चीज़ ये करते हैं कि आप उसी को फिर देखते हैं जिन टॉपिक को आपने पढ़ा था, ओके। उसी यूनिट को फिर लेंगे और फिर बार बार उसी को पढ़ेंगे, और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो अन्य यूनिट को पढ़ने लगते हैं जो आप नहीं पढ़े होते हैं, तो फिर आपको सही से वो समझ में नहीं आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब एक बार आप एग्ज़ाम में बैठ गए तो सेकेंड बार आप पूरी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए। अगर पेपर टू में आप फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट आपने देखा, ओके, फोर्थ यूनिट भी आपने देखा, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप देते हैं एग्ज़ाम, तो आपको क्या करना होगा, आपको 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, इन पे जाके थोड़ा सा फोकस करना होगा। और फिर क्या करना होगा, लास्ट मंथ में 1 महीने पहले आप उस यूनिट को देखिए जो आप पहले देख चुके हैं, यानी आपके जो नंबर कम करने का जो यूनिट कारण बन रहे हैं उसको आप अपनी मजबूती बनाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जो हम बात बता रहे हैं इस पे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे आपको कन्फ्लिक्ट होना है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सफलता मिलेगी। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसी स्ट्रेटजी को अपना के सेकेंड या थर्ड टाइम में उन्होंने क्वालिफाई किया, क्योंकि देखिए, अगर आप बार बार पुरानी रूटीन से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर वहीं पे लटके रह जाएंगे, ये 100% हम गारंटी देते हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करिए, वहाँ जाइए जहाँ पे आप पहले बार में नहीं पहुँच पाए थे। और जो फ्रेशर हैं उनको तो हम यही कहते हैं फ्रेंड्स कि 6 to 7 यूनिट मिनिमम अगर आप कवर कर लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि
देखिए 100% का जो पूरा आपका निकलता है एग्ज़ाम का अंक, उसमें मैक्सिमम कितने लोग 100% पाते हैं? एक भी नहीं पाते हैं। मैक्सिमम 70% अगर कोई पा जाता है दोनों पेपर मिला के, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर आपको लगता है कि 100% करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको 70% 75% का टारगेट रखिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। तो चलिए अब इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अब आपको अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ऐसी वीडियो हम ज़्यादा नहीं बनाते, एक आध वीडियो ज़रूर डालते हैं, इसलिए कि थोड़ा आप लोग मोटिवेट हों। और अगर आप अपने को पहचान नहीं रहे हैं, तो अपने को पहचानिए और अपनी समस्या को, अपनी मजबूती बनाइए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।